जीवन में बड़ा जरूरी है कि हम उस राह पे चलें जो राह जीवन के लिए आवश्यक हो। अब हीर को रांझा बदलने में समय लगता नहीं। वाह वाह। मैं अपने स्वयं के निजी बाथरूम में नहा रहा था। स्वयं के निजी। एक ही दिल है, दिल की चाहत मत मारो। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मोहब्बत, आपका खुलूस, आपकी तालियां, आपका स्नेह और आपकी ये आवाजें जो आपके घरों से मुस्तका रही है, और मैं जानता हूं सब मिलके कह रहे हैं, तो कह दीजिए मेरे साथ, वाह भाई वाह। जिंदगी में सिर्फ हंसी मजाक की जिंदगी नहीं है, कुछ सीखा भी जाना चाहिए। मैं रोज यहां आता हूं, आपसे कुछ ऐसी बातें करता हूं कि आपके चेहरों पर हंसी होती है, मुस्कान होती है, वो भी जरूरी है, लेकिन सीखा जाना चाहिए। आज एक ऐसी कथा से बात शुरू करते हैं जो बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में बड़ा जरूरी है कि हम उस राह पे चलें जो राह जीवन के लिए आवश्यक हो। एक लड़का गांव में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे बड़ी पाठशाला कोई नहीं होती। जो बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, जो जीवन भर वो सीखते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो बुजुर्ग बैठे थे और वो प्रतीकों में, इशारों में हमें समझा देते। तो लड़का गया और उनसे कहने लगा, मुझे एक बात बताइए ना, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने ही लोग काम क्यों नहीं आते हैं? 3 सवाल हैं बस मेरे छोटे से। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपने ही काम क्यों नहीं आते? दूसरा, जब जिंदगी में अगले एक पल का भी भरोसा नहीं, तो हर वक्त आदमी पैसा 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 क्यों करता है? उसे क्या मालूम कि वो कल होगा या नहीं होगा? और एक तीसरा सवाल और है, आखिर इस जिंदगी का अर्थ क्या है? मैं जवान हूं, आप बुजुर्ग हैं, और हम सारे दुनिया से चल जाएंगे, जीवन का अर्थ क्या है? तो बुजुर्ग ने जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली, उसे खोली, उसमें से 3 तीलियां निकाली, 3 तीलियों में से 2 तीलियां फेंक दी, 1 तीली को तोड़ा और वो जो बारूद वाला हिस्सा होता है उसे फेंक दिया, और जो नुकीला हिस्सा है उसे अपने दांतों के पास ले गए और खुरचते हुए कहा, मुझे क्या मालूम है। कुल मिला के जीवन के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका उत्तर किसी के पास नहीं है, इसलिए अपने सवालों के उत्तर खुद ढूंढ लीजिए, वरना कोई उत्तर नहीं देगा। जीवन में विकल्प होने चाहिए, लेकिन कईयों के पास विकल्प भी ऐसे होते, क्या करें? जैसे एक बहू आई घर में, काम नहीं करती थी, अब सास भी परेशान, पति भी परेशान कि कोई काम ही नहीं करती है। तो दोनों ने आपस में वार्ता की, हम क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, ये तो पड़े बैठी रहती है, कोई काम वाम तो करती नहीं है। तो माँ तुम कहना मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, मैं कहूँ ना माँ मैं निकालता हूँ, तुम कहना मैं निकालती हूँ, ना मैं निकालता हूँ, तो इससे शर्म आएगी और कहेगी छोड़िए मैं निकाल लेती हूँ, इसी बहाने काम कर लेगी। दोनों ने ये विकल्प तैयार कर लिया, अच्छा अब दोनों सुबह शुरू हो गए। ला बेटा झाड़ू निकाल देती हूँ मैं, नहीं माँ तुम, मैं निकालूंगा, नहीं बेटा मैं निकालूंगी, नहीं मैं निकालूंगा। अब बहू बोली काहे लड़ रहे हो तुम, फैसला कर लो ना, एक दिन ये निकालेगी एक दिन ये निकालेगा। यानी कि विकल्प भी ऐसा ना हो जो काम न करे, लेकिन हमारे पास जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास हिंदी कविता और शायरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो चीज हमें कविता देती है, जो संतुष्टि हमें कविता और शायरी, शेर, अल्फाज, नज्म, गीत, दोहे देते हैं, वैसा कोई नहीं दे सकता। 4 हमारे युवा साथी हमारे बीच में हैं, जो आज आपके बीच में अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे और छा जाएंगे। आइए इनका परिचय करते हैं। इनमें से सबसे कोने में जो बैठी है वो शबाना शबनम है, बहुत वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन मुशायरों में काव्य पाठ करती रही है। इनके गीत और गजलें लोग सुनते रहे हैं, लेकिन कविता के मंच पर आज पहली बार आई है। बड़े दिनों से आने के लिए उत्सुक थी और प्रयास रखती है, और अंततः इनका प्रयास रंग लाया और आज शबाना शबनम उज्जैन से हमारे बीच में, उनका स्वागत करते हैं। उसके पास जो बैठे हैं वो भी मध्य प्रदेश से हैं, वो सीहोर जिले में आष्टा जो तहसील है उसके पास एक हरमनखेड़ी एक गांव है, वहां से आते हैं। इनका नाम राहुल ठाकुर है, वो हमारे बीच में है। राहुल के पास प्रयागराज से आए हुए ये
बालक हमारे बीच में जिनका नाम विकास है और ये बहुत खूबसूरत गीत पढ़ते हैं। आइए। और मुंगावली जो हमारे अशोक नगर मध्य प्रदेश के पास है वहां से आते हैं पंकज जैन फनकार, ये हमारे बीच में और ये चारों ही कमाल के फनकार। भाई महफिल की शुरुआत करते हैं। हमारे बचपन में तो सारे फैसले ऐसे ही होते थे, इन्ना मिन्ना तू आउट तू आउट, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। म्यूजिक तो बजा साथ में। ए राहुल ठाकुर जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार, आपके बीच में हाजिर हूं और बात यहां से शुरू करता हूं कि प्रेम के पथ पर निकलने में समय लगता नहीं, दिल है भोला इसको पिघलने में समय लगता नहीं, और अब नहीं वो इश्क जब प्राण दे देती थी हीर, अब हीर को रांझा बदलने में समय लगता नहीं। वाह वाह वाह। जो पीटे बीवी से बिन बात, बिताए जीवन भर का साथ, वही पतिदेव चाहिए, वही पतिदेव चाहिए, वही पतिदेव चाहिए। और सर जिनके बैठने से सोफा 6 इंच नीचे धस जाए, जिनके बैठने से पलंग धड़धड़ा के टूट जाए, वो लड़कियां भी सपने में देखती कि उनके पलकों पे बैठाने वाला राजकुमार चाहिए। तुम्हारी पत्नी को ऐसा ही पतिदेव मिला है? जी सर जी। खुश रहोगे बेटा? शुक्रिया सर। ऐसे ही बने रहो, बस जीवन में अच्छे पति होने की यही निशानी है। शुक्रिया। बस ऐसे ही बने रहो, है ना। एक वो पिताजी खाना खा रहे थे तो माँ ने पूछ लिया, कैसा बना? बहुत अच्छा है, बहुत 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 बढ़िया, मजा आ गया। अरे तो मुन्ना तो कह रहा था बेकार बना, उसे क्या मालूम, वो जानता क्या है, एक बार शादी हो जाने तो सीख जाएगा क्या बोलना है। तो ये बहुत जरूरी है जीवन। मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है राहुल। यही पतिदेव चाहिए, यही पतिदेव चाहिए। आइए बुलाते हैं मंगावली के पंकज जैन फनकार को जोरदार ताली। करता हूं आप सब लोगों को दोस्तों। शैलेश भैया, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग से कहते, हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमें राहुल जैसी बातें करनी पड़ती हैं। जैसे इसने की। मैं विकास भाई के साथ फ्लाइट में आया, हम दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारे सामने एक अंग्रेज और अंग्रेजन का जोड़ा आया। अंग्रेजन ने जैसे ही विकास भाई को देखा, उनकी इनकी मूछे पसंद आ गई। अच्छा। विकास भाई की। तो अंग्रेजन ने बड़े प्यार से कहा कि आपकी कितनी प्यारी मूछे हैं, क्या आपकी मूछ का एक बाल मिल सकता है? अब विकास भाई भी ओरिजिनल कभी बोले, बिल्कुल दे सकते हैं मैडम, लेकिन $500 लगेंगे। अंग्रेजन का दिमाग खराब, क्या मूछ के एक बाल के $500,
लेकिन उसके पास पैसे थे, उसने जेब में से $2,000 निकाले, विकास जी के हाथ में पकड़ा दिए, बोले अपनी मूंछ के चार बाल दे दो। इन्होंने भी सर के बाल तोड़कर मैडम को पकड़ा दिए कि ये पकड़ो। अब मैडम का दिमाग खराब, क्या यार बाल तो मैंने मूंछ के मांगे थे, आपने पीछे से क्यों दे दिए? विकास भाई बोले ये तो शोरूम है, माल तो गोदाम से ही बिकेगा। शैलेश भैया, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि हे देवी, क्या तू मुझे ऐसी रोटी बनाकर खिला सकती है जैसी मेरी माँ मुझे बनाकर खिलाया करती थी? अब पत्नी भी जैन साहब की, ऊपर से फनकार साहब की, तुरंत बोली, बोले बिल्कुल खिला सकती हूँ, लेकिन वैसा आटा गूथ जैसा तेरा बाप गूथा। एक दिन अपने अंदर के आदमी को मैंने जगाया, अच्छा, और उसको चार पंक्तियां सुनाई। सुनाओ। पंक्तियां सुनना। तुम्हारे मन को जो भाए वो हर दिन हो नहीं सकता, चरण तेरे दबा करके मैं हर दिन सो नहीं सकता, चरण तेरे दबा करके मैं हर दिन सो नहीं सकता, तुम्हें मायके ही जाना है, चली जाओ मगर सुन लो, तुम्हें मायके ही जाना है, चली जाओ मगर सुन लो, तेरे कपड़े तेरे बर्तन मैं हर दिन धो नहीं सकता, तेरे कपड़े तेरे बर्तन मैं हर दिन धो नहीं सकता। शैलेश भैया, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ केवल लोग बागी बातें करते हैं इसलिए हम कभी हैं, हमारे साथ प्रकृति भी बात करती है, जानवर भी बात करते हैं, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी बात करने लगते हैं। अच्छा, और उससे हास्य व्यंग कैसे निकलता है, कैसे हम अपनी बात कहते हैं, हास्य से व्यंग तक की यात्रा करता हूं और एक कविता आप लोगों के बीच में रखता हूं कि एक दिन मैं अपने स्वयं के निजी बाथरूम में नहा रहा था। स्वयं के निजी? एक दिन मैं अपने स्वयं के निजी बाथरूम में नहा रहा था, कुछ पुराने भूले बिसरे गीत गुनगुना रहा था, तभी एक कॉकरोच मेरे टब से निकलकर बाहर आया, मेरी ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया, बोला क्यों मियां आज तुम भी नहा रहे हो? बोला क्यों मियां आज तुम भी नहा रहे हो? क्या किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? वाह वाह। बोला क्यों मियां आज तुम भी नहा रहे हो? क्या किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? हमने कहा नहीं, हम किसी लड़की से मिलने नहीं जा रहे हैं, मंच पर एक नेताजी के पास बैठे थे इसलिए नहा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह पंकज वाह, बहुत बढ़िया। मंच पर एक नेताजी के पास बैठे थे इसलिए नहा रहे हैं, और कॉकरोच का ज्ञान देखना जो उसने मुझे दिया, बोला चल छोड़ नेता की, तू कौन सा कवि धर्म निभा रहा है, मैं सब जानता हूं तू कैसे कैसे चुटकुले सुना रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पंकज, मैं सब जानता हूं तू कैसे कैसे चुटकुले सुना रहा है, और हास्य से व्यंग तक की यात्रा कीजिएगा कि मैं सब जानता हूं तू कैसे कैसे चुटकुले सुना रहा है, और कमी कमी हमारे नेताओं में नहीं, हमारी चयन प्रक्रिया में खोट है, अरे हमने भी वोट उसे दिया जिसके हाथों में नोट है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सवाल ये अच्छा। उठता है दोस्तों, जब भी ये बात कही जाती है तो कुछ लोग मेरे से आपत्ति करते, क्या पूरा देश पैसा लेके वोट डालता है? मैं चुनावों में नोट बताता हूं कि नोट कैसे कैसे होते हैं, कहीं वो नोट चुनावों के आप तक पहुंचे तो फिर आप सबका प्यार मांगता हूं कि काम क्रोध लोभ मोह माया और धर्म ये सब चुनावी नोट हैं, बस इन्हें देखकर ही हम डालते वोट हैं। और अब क्यों तू खुद को इन नेताओं से पाट रहा है? अरे जो बीज बोया था वही तो काट रहा है। क्या बात है? अरे जो बीज बोया था वही तो काट रहा है। और समाधान की दो पंक्तियां देकर अपनी जगह पे वापस जाना चाहता हूं कि अब तू क्यों खुद को इन नेताओं से पाट रहा है? अरे जो बीज बोया था वही तो काट रहा है। और जिस दिन हम ईमानदारी से वोट करना सीख जाएंगे, भ्रष्ट नेता अपने आप हार जाएंगे, ईमानदार जीत जाएंगे। ईमानदार पंकज, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, ऐसी सर्दियों में नहाने वाली कविता सुना रहे हैं। यहाँ तो सुबह सुबह इतना बड़ा डिसीजन ही नहीं होता कि आज नहाऊं कि नहीं नहाऊं, तब से अपन ने फैसला कर लिया कि जो आदमी नहाया हुआ होगा उसको हाथ भी लगाएंगे तो हाथ लगाने वाले को नहाया हुआ माना जाएगा। बहुत जरूरी है, इतनी ठंड है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ लोग, मतलब नहाने की बात नहीं करनी चाहिए ऐसे में, बात से जुकाम हो सकता है, मतलब वहां तो ऐसी ठंड पड़ रही है नॉर्थ के अंदर, मैं बताऊँ आप जिस इलाके में सारे रह रहे हैं वहां पे तो मतलब आदमी
एक दूसरे की तुलना कर रहे थे कि इतनी ठंड पड़ रही है, बोले हमारे गांव में इतनी ठंड पड़ रही है कि हमने भैंस का दूध निकाला कुल्फी निकली। दूसरा बोला हमारे तो इतनी ठंड पड़ रही है हमारे दादाजी और हमारे ताऊ जी दोनों आपस में बात कर रहे थे, रस्ते में बात जम गई, चाचा जी ने आके तीली लगा के सुन गए, फिर बात कान तक पहुंची एक के बाद एक, इतनी ठंड पड़ रही है देश में। विकास हमारे बीच में है, प्रयागराज से आते हैं और बड़े मधुर गीतकार हैं और शेर बड़े खूबसूरत कहते हैं। इनके दो मुक्तक मैंने सुने और मुझे लगा कि इस लड़के को इस मंच पे होना चाहिए और इन दो मुक्तकों ने मेरा दिल जीत लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आज यहाँ पढ़ेंगे तो सारे देश में छा जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ आइए। वाह भाई वाह के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक है वो कई नाम है ही नहीं, क्या बात है। एक है वो कई नाम है ही नहीं, जिनके बिन ये सुबह शाम है ही नहीं। जैसा नारों में हमको बताया गया, जैसा किरदार हमको दिखाया गया, उस तरह तो मेरे राम है ही नहीं। उस तरह तो मेरे राम है ही नहीं। बहुत बढ़िया। और आइए शायरी की तरफ आता हूँ, अपने मिजाज की तरफ आता हूँ। मेरी मुश्किल बढ़ा करके कभी पूछो कि कैसे हो। मेरी मुश्किल बढ़ा करके कभी पूछो कि कैसे हो, जरा फिर मुस्कुरा करके कभी पूछो कि कैसे हो। और तुम्हारे फोन में एक नाम अब तक सेव तो होगा, तुम्हारे फोन में एक नाम अब तक सेव तो होगा, वही नंबर मिला करके कभी पूछो कि कैसे हो। और जहां पर एक दिन तुमने हमारा हाथ छोड़ा था उसी कैफे में आकर के कभी पूछो कि कैसे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया कुमार विकास, बहुत अच्छा। शेरौर की हिज्र कहां तक सह पाओगी, इश्क करो। हिज्र मतलब जुदाई। हिज्र कहां तक सह पाओगी, इश्क करो। तन्हाई में मर जाओगी, इश्क करो। एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, आखिर एक दिन पछताओगी, इश्क करो। एक ही दिल है दिल की चाहत मत मारो, आखिर एक दिन पछताओगी, इश्क करो। तकिया टेडी बियर और खिलौनों से, तकिया टेडी बियर और खिलौनों से, कब तक खुद को बहलाओगी, इश्क करो। और ये शेर भी देखिए कि तकिया टेडी बियर और खिलौनों से, कब तक खुद को बहलाओगी, इश्क करो। कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को दोस्त बनाकर टहलाओगी, इश्क करो। अब इश्क करने के बाद छोड़ देने वाला प्रोसेस भी है, सुनिएगा। प्रोसेस वाह। इसके बाद होता है वो, हाँ वही होता है, टहलाने के बाद छोड़ दिया। पैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। वाह। गैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। सबको मेरे ऐप गिनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। कैसा हूँ किस हाल में हूँ क्यों पूछ रही हो अब मुझसे, कैसा हूँ किस हाल में हूँ क्यों पूछ रही हो अब मुझसे, फिर से माथा मत ठनकाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। सोचा था कि नाम तुम्हारा साथ हमारे आएगा, सोचा था कि नाम तुम्हारा साथ हमारे आएगा, अब चाहे जिसकी कहलाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। और हम ही कितने पागल थे जो तुम पर गजलें कहते थे, हम ही कितने पागल थे जो तुम पर गजलें कहते थे, अब मत कहना शेर सुनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मोहब्बत देखो कुमार लेगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि 100 बरस तक तुम रहो, मतलब कितना टूटा हुआ है लेकिन उसके बाद भी जो मोहब्बत करता है ना उसका भाव यही होता है। वो जो लड़का टूट गया है कि मेरे ऐप गिनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। मेरी ख्वाहिश यही है कि 100 बरस तक तुम रहो,
मरकर भी ना बोलूंगा तुम मर जाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। ये जो है ये मोहब्बत जो है ये बड़ी कमाल की है। और ये है कुमार विकास जो हमारे बीच में आए हैं प्रयागराज से। और आइए बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं उज्जैन की शबाना शबनम को जोरदार तालियों के साथ। गीत आपके बीच एक सुनाना चाहती हूँ कि कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी 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 घड़ी। गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊँ कैसे पीछा मैं छोड़ाऊँ, कहाँ भागू कहाँ जाऊँ कैसे पीछा मैं छोड़ाऊँ। मेरे सारे ये मुसीबत पड़ी पड़ी कभी गलियों जरूर बुलाया जाए। और इनके लिए सारे लोग मिलकर कहेंगे वाह भाई वाह।